हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं पहाड़ों में दिवाली कैसे मनाते ये आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम गाय माता से अपनी दिवाली की शुरुआत करते हैं। तो गाय की पूजा यहाँ पे सबसे पहले होती है और हम गाय के लिए यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं। और कुछ इस तरह से प्रसाद बना के सबसे पहले यहाँ पे गाय की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम गाय के यहाँ पे गाय गौशाला में जाके गाय की पूजा करते हैं। तो कुछ इस तरह से गाय की यहाँ पे पूजा होती है। पहाड़ों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय में सारे भगवान निवास करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि दिवाली में सबसे पहले शुरुआत हम गो माता की पूजा से हमें करनी चाहिए। और पहाड़ों में नॉर्मली सभी जगह सबसे पहले दिवाली पे गाय पूजा से ही दिवाली की शुरुआत होती है। तो कुछ इस तरह से गाय को हम लोग पूजा करते हैं, उनको तिलक करते हैं। और आज और दो तीन दिन जब यहाँ पे पहाड़ों में जो दिवाली दो तीन दिनों तक मनाई जाती है। और अर्ली मॉर्निंग हमेशा गो पूजा से ही हमारी दिवाली की शुरुआत होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपनी गाय की पूजा करते हैं। यहाँ पे गाय को उस दिन प्रसाद बना के खिलाते हैं, टीका करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग गाय की पूजा कर रहे हैं। पहाड़ों में लोग वास्तव में लकी होते हैं कि उन्हें गाय की सेवा का मौका मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ उनके सींग में इस तरह से तेल लगाया जाता है। जब वो खाना फिनिश कर लेती है तो उनके मुंह को साफ करके और वापस से उनकी पूजा की जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारी गाय पूजा हो गई। और अब हम लोग घर आ चुके हैं और अब हम रंगोली बनाएंगे। तो कुछ यहाँ पे जो फ्लावर्स हुए हैं वो हम लोग फूल लेके और कुछ फ्लावर्स का यूज करेंगे और कलर्स का। तो कुछ इस तरह से अभी हम लोग रंगोली बनाने वाले हैं। और अग्रिमा इस समय फ्लावर्स कलेक्ट कर रही हैं रंगोली के लिए। तो अब देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से रंगोली हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने कुछ कलर्स लिए हैं और फ्लावर्स लिए हैं। तो अग्रिमा आज रंगोली बनाएंगी और साथ में उनकी मैं हेल्प करूँगी। तो अभी हम लोगों ने रंगोली बनाना शुरू करा है। तो अभी गाय की पूजा करने के बाद लोग घर पे आके अब अपने घर को सजाते हैं रंगोली से, फूल से माला वगैरह बना के। कुछ इस तरह से छोटी दिवाली की शुरुआत गो पूजा और घर की सजावट रंगोली आदि से शुरू होती है। और ऐसे ही अब दो तीन दिनों तक यहाँ पे पूजा की जाएगी। आज छोटी दिवाली सेलिब्रेट होगी, कल बड़ी दिवाली और फिर गोवर्धन पूजा के साथ ही हमारे यहाँ पे दिवाली की पूजा समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि कैसे करके यहाँ पे दीपावली सेलिब्रेट होती है और कैसे करके गोवर्धन पूजा होती है। तो फाइनली हमारी रंगोली बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, बताइए कैसी लगी आपको हमारी रंग